हेलो फ्रेंड्स, मैं टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको वीडियो एडिटिंग करना बताएंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और अभी जल्दी ख़त्म होने वाला है, नहीं तो काफ़ी सारे लोग अपनी खुद की क्लास करना चाहते हैं या फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाकर कुछ वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, पर समस्या यह है कि वीडियो एडिटिंग की। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छी करते हैं तो आपको बेहतरीन व्यू भी मिलेंगे और आपका चैनल अच्छी तरह ग्रो भी करेगा। तो हम आपको एक फ्री टूल बताएंगे वीडियो एडिटिंग का, जिसको आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। हालांकि फ्री टूल में आपको सारे फीचर मिलेंगे, लेकिन आउटपुट जो मिलेगा उसमें आपको वाटर मार्क मिलेगा। तो यहाँ पर आपको गूगल खोल लेना है, वहाँ पर आपको वंडर शेयर फिल्मोरा सिलेक्ट कर लेना है। ये स्टार्टिंग वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल है। हम इसको पहले यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर हम साइबरलिंक पावर डायरेक्टर यूज़ करते हैं, जो एक पेड वर्जन है, उसका फ्री वर्जन नहीं मिलता। तो आप यहाँ पर फिल्मोरा से ले आइए और यहाँ पर आपको ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो ये ऑनलाइन इंस्टॉलेशन है, ऑफलाइन वर्जन भी मिलता है, आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन इंस्टॉल करके आप फ्री टू यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है, आपको इसमें सारे टूल मिल जाएंगे। तो एक बार इंस्टॉल हो जाता है फिर आपको दिखा देते हैं इंस्टॉल कैसे करना, आपको पता है। अगर नहीं पता था प्रोग्राम जाके कैसे इंस्टॉल करें वाला वीडियो आप हमारा देख सकते हैं, वहां पर आपको दिख जाएगा किसी भी प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल करना। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट मेनू में आपको वंडर शेयर का फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा वंडर शेयर फिल्मोरा। तो इस वाला चूँकि ये पहला वीडियो है, तो इसमें हम आपको थोड़ा बेसिक बताएँगे और जितना बता सकते हैं बेसिक में उतना बताएँगे, उसके बाद फिर आगे हम बताएँगे। तो वीडियो एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जितनी भी मूवी या सॉन्ग आप देखते हैं, सब जितने भी उसमें कमाल आप देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, कैमरा देखते हैं, वो सारे वीडियो एडिटिंग की मदद से आता है। मतलब कि जो वीडियो एडिट करने वाला होता है वही सारा कमाल दिखाता है, जितने भी आपको इफेक्ट आज दिखाई पड़ती सब के सब वीडियो एडिटिंग जो करता है उसी की वजह से ही इतने अच्छे वीडियो बनते हैं। तो जैसे फिल्मोरा खुलेगा, यहाँ पर अगर आपने कोई पुराना प्रोजेक्ट बनाया होगा तो यहाँ पर नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, ओपन प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का मिलेगा स्क्रीन, तो यहाँ पर कुछ हम समझा देते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे वन अपॉन वन का यहाँ पे दिखा हुआ, देखिए इंस्टाग्राम के लिए छोटा। यहाँ पे अगर पोर्ट्रेट वीडियो बनाना चाहते तो यहाँ पे 9:1 इसका पोर्ट्रेट भी है। स्टैंडर्ड स्क्रीन बनाना चाहते हैं 4:3 का है, जैसा कि आप CRT मॉनिटर या फिर पुराने छोटे मॉनिटर में अगर दिखाना चाहते हैं तो आप उसको बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिनेमा वाला भी मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 16:9 वाइड स्क्रीन यूज़ करेंगे, जो बाई डिफॉल्ट रहता है। आप चाहें तो अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 16:9 जो होता है रिकमेंडेड होता है यूट्यूब पे प्ले करने के लिए, क्योंकि अगर इस तरह का वीडियो अगर आप 4:3 बनाते हैं तो पूरा यूट्यूब की जो जब भी कोई मोबाइल पे प्ले करेगा था और उसको लैंडस्केप मोड में प्ले करेगा तो साइड में काफ़ी सारा स्पेस छूट जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर NDTV के जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनका जो वीडियो स्ट्रीमिंग होता है यूट्यूब पर वो 4:3 का ही होता है, तो उसको अगर आप देखेंगे ज़्यादातर तो उनको आपको 4:3 वाला स्टैंडर्ड ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर वाइड स्क्रीन सिलेक्ट कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा शो विंडो ईच टाइम, इसको अगर आप क्लिक नहीं करेंगे, हटा देंगे, यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो ये वाला विंडो नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली ये पहली बार इसी तरह सीधे खुल जाएगा न्यू प्रोजेक्ट पे। क्लिक कर देना, उसके बाद लोड होने के बाद हम आपको कुछ समझा देते हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ है वो है ये टाइम लाइन। थोड़ा जूम कर देते हैं तो पहले हाँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ये टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, जो हमारा वीडियो प्ले होगा यहाँ पे देखिए टाइम इस टाइम बना हुआ 0.0, 0.1, 0.2, 0.2। मतलब कि जब भी हम वीडियो को चलाते हैं तो वीडियो जो होता है, वीडियो असल में वीडियो होता नहीं है, वीडियो जो होता है पिक्चर होती है, सिक्वेंस में पिक्चर होती है, बहुत सारी पिक्चर, वही पिक्चर जो होती हैं वही सारे। देखो सैंपल वीडियो हम आपको एक उठा लेते हैं यहाँ से ताकि आपको थोड़ा एग्जांपल लिखें। अभी जैसे कि ये वीडियो है एक, इसी को ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर प्लस क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग लिखा रहा है, ऑनलाइन कंटेंट है तो ये डाउनलोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये सैम्पल वीडियो का। आपने सिस्टम का भी यूज़ किया, देखिए ये आ गया यहाँ पर। अब देखिए वीडियो की लंबाई जो है काफ़ी छोटा वीडियो है, तो यहाँ पर अगर इसको आप जूम करना है तो आप इसी पर क्लिक करके जूम कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो का आ गया, इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, फ्रेम यानी कि जो भी पिक्चर फ्रेम है, देखिए इतने सारे फ्रेम इसमें यूज़ किए गए। इसी से आपको पता चलता है जब भी आप वीडियो की क्वालिटी देखते हैं तो वहाँ पर 30 फ्रेम, 60 फ्रेम, 120 फ्रेम, 240 फ्रेम तक जाता है। स्लो मोशन में ज़्यादा फ्रेम स्टोर किया जाता है, इसलिए वो वीडियो स्लो मोशन। यहाँ पर देखिए हर ये पिक्चर है जो सिक्वेंस में लगी हुई है और ये सारी मिलकर एक वीडियो बनाती है।
आती हैं। इसको अगर हम यहीं से प्ले करते हैं तो आप देखेंगे ये टाइम स्ट्रैम है, मतलब ये जहाँ पर रहेगा उसी टाइम पर वीडियो प्ले होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर प्ले करते हैं तो देखिए इस तरह से वीडियो प्ले होगा। ठीक, तो ये मतलब कि आपका पूरा वीडियो की टाइमलाइन है। आप यहाँ पे जो भी लगाएंगे और जिस भी टाइम पे लगाएंगे और जब भी वीडियो प्ले होगा तो वो उसी टाइम पे ये टाइम स्टैम्प जैसे उस जगह पे पहुँचेगा। ऑटोमेटिकली जो भी आपने क्लिप लगाई होगी, जैसे कि हम यहाँ पे ये वाली क्लिप लगा देते हैं, यहाँ पे इस तरह से आप पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये पहुँचेगा नेक्स्ट क्लिप प्ले हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो याद रखिएगा टाइम स्टैम्प सबसे महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे बहुत सारे टाइम देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दो ही मिलता है, लेकिन आप यहाँ बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड वीडियो ट्रैक मैक्सिमम जो 100 ट्रैक यूज़ कर सकते हैं आप, मतलब और यहाँ पे ऑडियो ट्रैक और वीडियो ट्रैक दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब वीडियो ट्रैक का यूज़ मतलब कि वीडियो चलाने के लिए भी क्या, कभी कभी मल्टी वीडियो भी चलाया जाता है। हम आपको ज़रा एग्जांपल दे देते हैं, पहले इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि हमें बड़ी स्क्रीन मिल जाए। तो ये हमारा है, पर टाइमलाइन को थोड़ा समझाने के लिए इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टाइमलाइन के पूरे बारे में बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हम थोड़ा ओवर भी बता देते हैं। यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में आपको मीडिया मिल जाएगा, मीडिया मतलब कि जो मीडिया आपने इंपोर्ट की होंगी वो मिल जाएगी यहाँ पे सारी। यहाँ देखिए इंपोर्ट मिला हुआ है, जो भी आप कंप्यूटर से अपने रिकॉर्ड करेंगे या फिर कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करके रखे रहेंगे उसको आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर आप मीडिया इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पर वो दिखने लगे। देखिए ये वाला वीडियो जो है वो इम्पोर्ट और पहले से इसमें है और कंप्यूटर के अंदर सेव है। तो देखिए आ गया, आसानी से इंपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो आएगा, अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पुराने वीडियो की म्यूजिक को हटा के नए म्यूजिक लगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ला के छोड़ देना है और ये म्यूजिक भी आ जाएगा। म्यूजिक की जो बीट होती है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर आपको यहाँ पे कहीं साइलेंट दिखता है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन दिखती है, तो समझ जाइए उस जगह पर कोई आवाज़ नहीं है, उसको आप कट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल दिखेगा, टाइटल बिल्कुल वही दिखता है जैसा कि आप बहुत सारे यूट्यूबर को दिख यूट्यूब पे दिखता है, जैसा कि ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। जब भी इस टाइम पे आएगा यहाँ पे एक टाइटल आ जाएगा और टाइटल जब प्ले होगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना नाम वाम लिख सकते हैं, एडिट करके इसको आप आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे टाइटल के नीचे आपको एक टाइटल जुड़ जाएगा जिसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो आप चाहे टाइटल को यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं, लेकिन टाइटल को लगाने के लिए आपको जो है एक सेपरेट वीडियो लेयर में, चूँकि टाइटल जो होता है वो वीडियो एक छोटा सा वीडियो ही होता है जो किसी जो आपके एक्साइटिंग वीडियो है होता है उसी के ऊपर प्ले होता है। तो आप यहाँ बहुत सारे टाइटल आपको मिल जाएंगे, आप खुद से भी बना सकते हैं और यहाँ पर जो टाइटल है उनसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्मोरा का पैक भी आता है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे टाइटल हैं। तो बेसिक लेवल के लिए आपके पास बहुत सारे टाइटल यहाँ पर मिल जाते हैं। अब ट्रांजेक्शन आता है, ट्रांजेक्शन मतलब होता है जब एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर वीडियो स्विच करेगा तो वो किस तरह स्विच करेगा, हम एग्जांपल दिखा देते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन हम उठाते हैं और इस जगह पे लगा देते हैं। ठीक, अब ये दोनों वीडियो जब एक स्विच करेंगे तो ये इसी तरह का ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो हमने लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर हल्का सा दिखेगा क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट था ये बहुत ही दूसरी शॉर्ट टाइप का था, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ा। हम थोड़ा आपको ये वाला दिखाते हैं तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से देखिए। इस तरह से वीडियो जब भी यहाँ पे पहुँचेगा ये यहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है तो इसको हिसाब से आप यहाँ पे ओवरले लगा सकते हैं, यहाँ पर टाइमर लगा सकते हैं, यहाँ पर फिक्स लगा सकते हैं, जैसे आप लगाना चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। और जैसे यहाँ पर वीडियो पहुँचेगा ऑटोमेटिकली ये ट्रांजेक्शन आपका एक्टिव हो जाएगा और अगला वीडियो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये ट्रांजेक्शन समझ गया। अब दो वीडियो के बीच अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे पावर पॉइंट की स्लाइड में लगाते हैं उस तरह की अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांजेक्शन इफेक्ट सबसे अच्छा माध्यम रहता है। उसके बाद आता है इफेक्ट। इफेक्ट आपने मूवी में देखा होगा, बहुत सारे मूवी में इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। तो आपको एक इफेक्ट हम दिखा देते हैं, इस तरह का जैसे इफेक्ट है इसको ऐड कर देते हैं हम वीडियो के अंदर। और यहाँ पे देखिए आपको एक सेपरेट वीडियो लेयर बन गई है आपके वीडियो लेयर के ऊपर और यहाँ पे आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। और जब भी आप टाइम स्ट्रैम आपका जो ये चल रहा मतलब ये बीच की करंट पोजिशन होती है जैसे वहाँ पर पहुँचेगा आपका इफेक्ट जो है एक्टिव हो जाएगा। देखिए इस तरह से चलिए हम ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला दिखाते हैं आपको क्योंकि वो वाला इफेक्ट काम नहीं आया। तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी भी इफेक्ट को आसानी से। डिलीट करने के लिए आप सिंपल से डिलीट वाली बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं। अगर इसको इधर उधर ड्रैग करना तो आप आसानी से इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट जैसे कि आप बहुत सारी मूवी में देखे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है,
कुछ सीन पे जैसा कि याद करते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हैं इफेक्ट। तो यहाँ आप अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हम बाद में आपको बताएंगे जब एक वीडियो एडिट करेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह समझाएंगे। उसके बाद आता है एलिमेंट। एलिमेंट में आप बहुत सारा चीज़ें लगा सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो के ऊपर इस तरह से बनाना चाहते हो, इस तरह से अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आसानी से आप इस तरह लिख सकते हैं डाउनलोड कर। तो ये सारे आधी ज़्यादा चीज़ें इसमें ऑनलाइन कंटेंट रहती हैं, तो आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में डाउनलोड करके। और एक बार डाउनलोड कर लें, ऐसा नहीं बार बार डाउनलोड करना पड़ेगा, एक बार आप डाउनलोड करने के बाद इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वीडियो के ऊपर आसानी से ओवरले हो जा रहा है, यानी कि जब भी वीडियो प्ले होगा तो उसी के ऊपर प्ले होगा, ये सेपरेट नहीं होगा। देखिए तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, इसको सही से करने के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरी लेयर बनानी, मतलब दूसरी वीडियो लेयर बनानी होगी, उसके बाद ही आप इसको ऊपर लगाएंगे, तब यहाँ पे प्ले होगा। और आपको इसकी जो साइज है वो भी सिलेक्ट कर लेनी होगी, ताकि यहाँ पे देखिए क्रोमा की भी आपको मिल जाएगा, स्टेबलाइजेशन भी मिल जाएगा, जो कि हम आपको एडवांस वाले फीचर बताएंगे कि अगर वीडियो की आपकी स्क्रीन जो है बहुत ज़्यादा हिल डुल रही है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इतना बड़ा है ये, तो इसको हम छोटा सा कर देते हैं यहाँ से, और फिर अगर प्ले करेंगे हम तो ये ऊपर उसके नहीं आएगा। तो ये इस तरह से आए, हालांकि ये पीछे की जो ब्लैक स्क्रीन है इसको हटानी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा, ये एलिमेंट हो गया, स्प्लिट स्क्रीन हो गया। स्प्लिट स्क्रीन में आप स्क्रीन को दो टाइप में, तीन या चार टाइप में बांट सकते हैं। हम इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर मल्टी कैमरा सेटअप में, जहाँ पर आप दो कैमरों को साथ चलाना चाहते हैं, मतलब कि आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड किया, जैसे गेम प्ले में किया जाता है कि आपका फेस भी यहाँ कोने में दिखता रहता है और यहाँ पर पूरा गेम प्ले का रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है, तो उसको मल्टी कैमरा सेटअप करते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस ये वीडियो लेयर आप बना दीजिए, उसके ऊपर जो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो पहली लेयर होती है वीडियो की वो सबसे आगे दिखती है, और जो सेकेंड लेयर होती है वो पीछे दिखाई पड़ती है। तो अगर आपको छोटे कैमरा यहाँ पर एक छोटा स्क्रीन लगाना है, तो आपको छोटी स्क्रीन को फर्स्ट कैमरे में फर्स्ट वीडियो लेयर में करनी होगी, और बड़ी स्क्रीन को सेकंड में। तो इस तरह से नहीं तो छोटे बड़े के ऊपर छोटा वाली जो स्क्रीन है वो हाइड हो जाएगी और छोटी स्क्रीन आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा बेसिक था, एक बार वीडियो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट कर देना। हालांकि यहाँ कुछ मेनू भी है, मेनू के बारे में भी आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो मेनू के अंदर भी आपको चार न्यू प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ओपन प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट, इंपोर्ट मीडिया, डाउनलोड मीडिया, रिकॉर्ड मीडिया, सेव प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और ज़्यादा कुछ में फीचर मिलेगा नहीं, नॉर्मल फीचर है कट कॉपी पेस्ट वाला। एक्सपोर्ट में यहाँ थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है, हम आपको बता देते हैं। आप वीडियो को चाहे तो डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, वीमियो पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो बनाकर खुद ही मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें बची गई हैं जो उनको हम थोड़ा समझा देते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे अंडू लिखा हुआ, अगर आप कोई भी वीडियो के एक्शन करते हैं तो अगर आपको अंडू करना चाहते हैं कंट्रोल जेड दबाइए, रीडू करना चाहते हैं कंट्रोल वाई, कुछ भी डिलीट करना हो तो आप बैक स्पेस डिलीट की दबा सकते हैं, अगर आपको कट करनी है तो यहाँ पे कट दबा सकते हैं। देखिए स्प्लिट करना, स्प्लिट क्या करना हम बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे हम वीडियो को आए और थोड़ा बड़ा किया, हम चाहते हैं वीडियो दो पार्ट में बट जाए, स्प्लिट करके जैसे कि आप बीच की कोई चीज़ हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, वीडियो जो है दो पार्ट में बट जाएगा। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें हटा कर हम जैसे कि इतना हमें मिटाना है तो इतना हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लाकर हटा देंगे तो हमारा जो बीच का पार्ट है वो गायब हो जाएगा और हमें वो पता ही नहीं चलेगा बीच के पार्ट में कुछ था, क्योंकि उसकी जो लेयर थी, फ्रेम था, उसको हमने मिटा दिया। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको आप रिसाइज करना चाहते थे, यहाँ पे क्रॉप एंड जूम कर सकते हैं, स्पीड अगर आप चेंज करना चाहते थे यहाँ पे स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, कलर बदलना चाहते हैं कलर भी यहाँ पे बदल सकते हैं, और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन अगर आपके पास लगी हुई है तो आप ग्रीन स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकॉन भी मिलेगा, जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म, स्टेबलाइजेशन, क्रोमा की आदि जैसे फीचर मिलेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे और भी आपको मिल जाएंगे। इस साइड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वीडियो का रेंडर प्रीव्यू दिखाई देगा, जो वीडियो रेंडर करता रहेगा उस टाइम भी आपको वीडियो चलता रहेगा। यहाँ पे आपको ऐड मार्कर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको वॉइस ओवर अगर आप वीडियो को ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉइस ओवर भी मिल जाएगा। अगर आपने आवाज़ आपकी अच्छी नहीं आई है वीडियो में तो आप उसकी आवाज़ को रिप्लेस कर सकते हैं वॉइस ओवर करके। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑडियो मिक्सर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप ऑडियो मल्टीपल ऑडियो को जोड़कर उसकी ऑडियो को, जैसे कि ये वीडियो का ऑडियो हो गया, ये सेकेंड वीडियो का ऑडियो हो गया, या थर्ड वीडियो का ऑडियो हो गया, जैसे कि
अब मान लीजिए वीडियो फर्स्ट का ऑडियो आपकी ओरिजिनल आवाज़ है और वीडियो टू का ऑडियो जो है आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो आप यहाँ पे उसको जो है आवाज़ उसकी स्लो कर दीजिए ताकि जो आपकी ओरिजिनल आवाज़ है वो ज़्यादा लोगों को सुनाई पड़े और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बहुत ही स्लो सुनाई पड़े। तो यहाँ पर आप लगा कर यहाँ पर प्ले करके आप देख भी सकते हैं वीडियो की। और यहाँ पे आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जूम इन जी माउस मिल जाएगा जो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरह से, और ये ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू इस वाले ऑप्शन के। और यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन मिल जाएगा। फुल स्क्रीन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा वीडियो पूरी तरह कम्प्लीट हो जाता है और उसको हम फाइनल प्रीव्यू देखते हैं। मतलब जब भी आप वीडियो बना लें तो एक बार पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपने टाइमलाइन के टाइम को ध्यान रखिए, अगर आपका वीडियो 7 मिनट का है तो यहाँ पे 7 मिनट के बाद ये टाइमलाइन जो है ऑटोमेटिकली 0 पे चली जानी चाहिए। अगर ये टाइमलाइन 0 पे नहीं जा रही है, मतलब आपने किसी भी ट्रैक में कोई डाटा जो है छोड़ दिया है, अगर आपने कोई ब्लैंक डाटा को भी छोड़ दिया होगा, या फिर आपने 7 मिनट के बाद यहाँ पर जाके 12 मिनट पे आपने कोई एक पिक्चर भी छोड़ दी होगी, बाकी का वीडियो जो ब्लैंक हो जाएगा और 12 मिनट पर जाकर वो पिक्चर प्ले होगी, तो याद रखिएगा आपको पूरा टाइमलाइन चेक करना होगा। जितना लंबाई का आपका वीडियो बना हुआ है उतनी लंबाई आपको यहाँ पे पहले से चेक कर लेनी होगी, क्योंकि बाद में अगर एक बार आपने अपलोड कर दिया तो वहाँ से YouTube से एडिट करना बहुत ही मुश्किल होता है और काफ़ी टाइम लगता है। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे लोग उतना ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे। हालांकि वीडियो एडिटिंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, सिंपल वीडियो डाल देते हैं, बस थोड़ा सा काट कूट कर दीजिए इधर का, जैसे कि ज़्यादातर चीज़ें दिखाई ना पड़े, बाकी कुछ भी नहीं लगाएंगे, कंटेंट अच्छा रहेगा तो लोग आपके वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लोग आपका वीडियो देखने आते हैं, आपकी वीडियो एडिटिंग देखने नहीं आते। तो ये फिल्मोरा का पहला चैप्टर था, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ओवरव्यू में बता दी हैं। अब इसका हम डिटेल वीडियो बनाएंगे और प्लेलिस्ट भी बना देंगे ताकि आपको रोज़ के रोज डेली के जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हम आपको एकदम डिटेल में पूरा बताएंगे और एक अच्छा वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, आपको प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग जैसा करते हैं उस तरह की वीडियो एडिटिंग आपको बताएं, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं क्रोमा की से लेकर हर चीज़ आपको हम बता देंगे वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस सीरीज़ को आपको कैसा लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हालांकि ट्रिपल सी वाले सीरीज़ भी हम स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा से नया चैप्टर वर्जन 3, क्योंकि हमने 2 चैप्टर पहले ही बना दिए हैं, मतलब वर्जन 1 और वर्जन 2, मतलब सारे चैप्टर को 2 बार हम पढ़ा दिए हैं, पर इस बार हम थोड़ा और अच्छी तरीके से लिब्रा ऑफिस और MS Word दोनों को साथ में पढ़ाएंगे। तो क्लास की टाइमिंग जो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटे की लगभग क्लास होगी और एक ही वीडियो में दोनों ही बता देंगे, लिब्रा ऑफिस में भी कैसे काम करता है वो फंक्शन और MS Word में भी कैसे फंक्शन करता है। ये वाला वीडियो हमने बनाने का सिंपल ये था कि बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग का पूछते हैं कि वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम बता दें ताकि आप लोग भी कुछ खाली टाइम में कुछ अच्छा सीख लें अगर आपके पास कंप्यूटर है। और फिल्मोरा के साइज़ की जहाँ तक बात करता है, सिर्फ 300 MB की लगभग ये पूरी की पूरी इसकी फाइल की साइज़ है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बड़े सॉफ्टवेयर जो होते हैं गीगाबाइट में होते हैं, जबकि फिल्मोरा एक छोटा सॉफ्टवेयर है, इतना पावरफुल भी नहीं है, लेकिन बेसिक लेवल पर सारे काम कर देता है ये। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाली बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगा, और अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।